नमस्कार, मैं हूं राहुल गोयल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन पांच की आंच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं अपर्णा मौजम। पांच की आंच में सबसे पहले बात उस फिल्म की जो धारा 370 पर आधारित है। इसके बाद अलावा बात प्रधानमंत्री मोदी के उस फैसले की करेंगे जिससे महिलाओं को बड़ी खुशखबरी मिली है। उधर भिंड में शहर गोलियों की गूंज से गूंज गया। बेखौफ बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। एक शख्स डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन उसकी कम हाइट परेशानी बन गई। हार नहीं मानी और फिर कोर्ट से सहारा मिला। बात करेंगे पांच की आंच में जंगल में शिव दर्शन की भी, लेकिन सबसे पहले बात उस फिल्म की जो इन दिनों चर्चा में है। ये फिल्म केंद्र सरकार के उस निर्णय पर आधारित है जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए लिया गया था। मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ में भी फिल्म की काफी चर्चा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मंत्रियों के साथ फिल्म देखेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले आई फिल्म आर्टिकल 370 को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। ये फिल्म जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि फिल्म के माध्यम से लोग जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के पहले और उसके बाद आए ऐतिहासिक परिवर्तन को नजदीक से जान सकेंगे। सीएम ने लोगों से फिल्म देखने की अपील भी की है। हमने राज्य शासन ने निर्णय किया कि धारा 370 पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाए, हमने उसकी घोषणा भी की है। इंदौर में फिल्म आर्टिकल 370 को बीजेपी शहर के प्रबुद्ध जन और वरिष्ठ नागरिकों को दिखाएगी। बीजेपी की ओर से फिल्म के शो बुक किए गए, इस पर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उधर छत्तीसगढ़ में भी आर्टिकल 370 को लेकर काफी चर्चा है। सीएम विष्णुदेव साय खुद इस फिल्म को देखने जाएंगे। इस दौरान उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता फिल्म देखेंगे। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका होगा जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई फिल्म देखने जाएंगे। फिल्म में कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर यह फिल्म आधारित है। राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को इसमें दिखाया गया है। यामी गौतम ने पुलिस ऑफिसर का रोल अदा किया है, वहीं पीएम मोदी की भूमिका में अरुण गोविल हैं। फिल्म में यामी गौतम ने काफी दमदार एक्टिंग की है जिसको लेकर उनकी खूब चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने गैस सिलेंडर की कीमत कर कम करके महिलाओं को जबरदस्त तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब एमपी और छत्तीसगढ़ में गैस की कीमत 100 रुपए कम हो गई है। उधर मध्य प्रदेश में घरेलू गैस की कीमत अब 808 रुपए हो गई है। आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं, पहले यह दाम 909 रुपए था। उधर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहां घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत हो गई है 874 रुपए। इससे पहले आपको यहां एक सिलेंडर के लिए 974 रुपए देने पड़ते थे। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल का मध्य प्रदेश की महिलाओं ने भी स्वागत किया है। महिलाओं ने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने से उनके किचन का बजट सुधरेगा। साथ ही यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। ताकि उनकी सरकार ऐसी आगे हमेशा चलती रहे। बहुत ही फायदा है, मोदी के किए हुए हर काम पे हमें फायदा है। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये हुआ है तो बहुत फायदा ही है ना हमें। मोदी जी जो कर रहे हैं भारत के लिए, देश के लिए, बहुत गर्व की बात है। किचन का बजट भी थोड़ा सा कम हो गया। हाँ, कम हो गया है गैस सिलेंडर का किया हमने तो हमारे लिए। कम से कम पहल हो रही है, इस चीज की बहुत खुशी है, लेकिन हम इससे बहुत कुछ ज्यादा चाहते हैं कि हमारी सभी महिलाओं। सिलेंडर के दाम कम होने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। उधर बीजेपी का कहना है कि ये आधी आबादी को सौगात है। कांग्रेस ने लंबे समय तक आधी आबादी को छलने का काम किया है। आज चुनावी वर्ष के पहले महिला दिवस पर 100 रुपए कम करके भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि कर पहले भी सकते थे, लेकिन मोदी जी का मन जब हुआ तब किया। महिला दिवस के अवसर पर 100 रुपए एलपीजी सिलेंडर पर कम करके उन्होंने एक बड़ी सौगात देने का काम किया है।
कांग्रेस की अगर पोल खुलेगी तो कांग्रेस अपना मुंह छिपाते भागेगी, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार महिला वर्ग को धोखा देने और ठगने का काम किया है। उधर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। भिंड में हर दिन नई वारदात से लोगों में भय का माहौल है। एक बार फिर गोलियों की गूंज ने शहर को दहला दिया। घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर में घुसकर युवक पर एक के बाद एक 6 गोलियां चलाई। वारदात के बाद से इलाके में हर कोई डरा हुआ है। बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसले, घर में घुसकर युवक की हत्या, सीने में उतार दी 6 गोलियां। घटना के बाद इलाके में दहशत, बाजार बंद, सड़क पर उतरे लोग। भिंड में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। एक के बाद एक युवक के सीने में बंदूक से 6 गोलियां दाग दी गईं। गोलियों की आवाज सुन जब परिवार के सदस्य वहां पहुंचे तब तक आरोपी फरार हो चुका था। उधर परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक का नाम प्रणाम जैन बताया जा रहा है, जो पन्ना पैलेस और पन्ना रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमों का गठन हो चुका है। हमारे जो थाना कोतवाली है उसके क्षेत्र में पन्ना होटल, उनके जो संचालक है उनके बड़े पुत्र की कुछ लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी है। अभी पुलिस की घटना करीब करीब 4:15 बजे के आसपास की है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी और अभी पूरी पुलिस टीम लगी है। यहाँ पे हमारे बिहार कोतवाली और अन्य जगह का फोर्स है, पूरा लगा हुआ है। सारे CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। जो आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है, जल्दी से जल्दी हम अरेस्ट करने की कार्रवाई करेंगे। घटना के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। वारदात के बाद व्यापारियों में गुस्सा है। शहर में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वारदात के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। भिंड से रवि रमन त्रिपाठी, News 18 के लिए। अगर आप जिंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो अगली खबर आपके लिए, क्योंकि कहानी उस शख्स की है जिसकी हाइट उसके डॉक्टर बनने में बाधा बन रही थी, लेकिन जिद और जुनून से उस शख्स ने वो मुकाम हासिल कर लिया। बात हो रही है एक डॉक्टर की जिनकी हाइट है सिर्फ 3 फीट, लेकिन इरादे बेहद ही मजबूत है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं अगर किसी चीज की लगन हो और पूरी शिद्दत से काम किया जाए तो बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर गणेश बरैया हैं, जो अब गुजरात के भावनगर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की भूमिका में हैं। उनकी हाइट 3 फीट की है और इसलिए भी वो ज्यादा चर्चा में है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी यही हाइट कभी उनके डॉक्टर बनने के बीच बाधक बन गई थी। 12वीं पास करने के बाद डॉक्टर बनने का सपना लेकर गणेश ने नीट का पेपर दिया और उसे पास भी कर लिया, लेकिन 23 साल के बरैया को कुछ साल पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने MBBS करने से रोक दिया था क्योंकि उनकी हाइट कम थी। लेकिन गणेश बरैया ठान चुके थे कि डॉक्टर तो हर हाल में बनना है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। पहले वो हाई कोर्ट में गए, नीलकंठ विद्यापीठ चला जाके प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवस सर्वैया से की कि सर ऐसा हुआ है तो अब आगे क्या करें। तो उन्होंने भावनगर के कलेक्टर हर्षद भाई पटेल और शिक्षण गुजरात शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे भावनगर के कलेक्टर के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे।
गुजरात हाईकोर्ट में गणेश बरैया ने एमसीआई के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की, लेकिन यहां से फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साल 2018 में सुप्रीम अदालत ने उनकी उम्मीदों को पंख दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। इस तरह गणेश बरैया ने साल 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन लिया। एमबीबीएस के पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वो भावनगर के सरकारी अस्पताल में इंटर्न के तौर पर काम कर रहे हैं। उस समय 2018 में एमबीबीएस के एडमिशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। गणेश का ये भी कहना है कि पहले अस्पताल में मरीज उन्हें देखकर संकोच करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब चीजें सामान्य हो गई हैं। जब पहली बार पेशेंट मुझे देखते हैं तो वो पेशेंट को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो भी एक्सेप्ट करते हैं और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। मैं उनके साथ अच्छे से बात करता हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं और पॉजिटिवली हमारा व्यवहार रहता है, तो वो भी बहुत ही खुश होते हैं। गणेश बरैया के जज्बे ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। उनकी राह में एक के बाद एक कई रुकावटें आईं, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया। अपने सपनों को पूरा करने के बाद ही दम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगरमालवा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कक्षा पांचवी के छात्र को गलत प्रश्न पत्र देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्र को 6 मार्च को ही 11 मार्च को होने वाला एग्जाम दे दिया गया। छात्र के माता पिता की शिकायत के बाद मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि संतोष कैथोलिक स्कूल में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था, जहां अंग्रेजी माध्यम के छात्र को हिंदी माध्यम का पेपर दे दिया गया। पेपर लीक होने से सैकड़ों बच्चों के भविष्य पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। उधर मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग मामले की जाँच कर रहा है। मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल ससनेर का कक्षा 5 का छात्र है इंग्लिश मीडियम में। सर, इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश का कल पेपर होना था, लेकिन वहाँ पर मौजूद शिक्षकों द्वारा इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश का पेपर ना देते हुए हिंदी मीडियम का इंग्लिश का पेपर दे दिया उसे, जिसे मेरे बच्चे ने हल भी कर। बालोद में श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने कई लोगों को डंक मार दिए। बताया जा रहा है कि शिवलिंग की पूजा करने के दौरान महाराज और श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 महाराज, 1 आरक्षक, 1 महिला और 2 मासूम बच्चे शिकार बन गए। सभी लोगों ने भागकर जान बचाई। बताया जा रहा है कि पेड़ पर मधुमक्खियों के छत्ते थे। सात साल की एक बच्ची दादी के साथ जंगल गई। वहां ऐसा कुछ हुआ जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन जब उसकी बात को माना तो लोग भी हैरान रह गए। दरअसल जंगल में भगवान शिव का एक शिवलिंग मिला। कहा जा रहा है कि बच्ची को खुद शिव ने दर्शन देकर ये बताया। पूरी कहानी क्या है ये रिपोर्ट देखिए। भगवान शिव की महिमा अपार, नंदिनी को शिव ने दिए दर्शन, शिव बता गए अपना पता, जंगल में मिला शिव परिवार, जहां पानी नहीं वहां गंगा की धार, घना जंगल, अंधेरे को भेदते हुई एक रोशनी और सामने भगवान शिव। 8 साल की नंदिनी को साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए। क्या दिखे? शिवलिंग। शिवलिंग तो किसको बताई बेटा आके? दादी को। तो ये वो बच्ची है, थोड़ी सी डरी सहमी है, लेकिन इसने ये बताया कि यहाँ पर वो बोड़ा खोदने आई थी और उसे एक तेज रोशनी दिखी, और जब उसने घर जाकर अपने घर में लोगों को बताया तो घर वालों ने जब वहाँ पर देखा तो वहाँ पर शिवलिंग निकला। सावन का महीना था, नंदिनी अपनी दादी के साथ जंगल गई थी। दादी जंगल में बोड़ा खोद रही थी, उधर नंदिनी जंगल में खेल रही थी। इस दौरान नंदिनी को एक तेज रोशनी दिखाई दी।
कहा जा रहा है कि नंदिनी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। इसके बाद नंदिनी ने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी, जिसके बाद लोगों को जंगल में एक शिवलिंग मिला। उसके आसपास नंदी और भगवान गणेश की मूर्ति भी थी। बच्ची पहले हम लोग बताई गांव में, मतलब सूर्य टाइप की दिखाई दी और भोले बाबा नाच रहे थे इसके नज़र में। उसकी दादी आई फिर देखी, उसको शिवलिंग दिखाई दिया। जैसे शिवलिंग दिखाई दिया, मतलब उन लोग बोला निकलने, मतलब गांव में बताए ऐसा ऐसा हो गया, जब वो पास शिवलिंग निकला है। गांव में ज़्यादातर विश्वास तो नहीं करते हैं अभी, फिर कई जन देखने आए भक्त लोग। फिर ठीक है, शिवलिंग छोटा सा था, ज़्यादातर उसको घर में ले जाने का तरीका था, उन लोग उठा नहीं पाए। जहाँ जगह उसी जगह शिवलिंग है, फिर हम लोग देखें। ये मढ़ानार गांव है, जो कोंडागांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पर है। पूरे जंगल में दूर दूर तक पानी नहीं, लेकिन भगवान शिव का पानी की धारा अभिषेक कर रही है। ग्रामीण इसे माँ गंगा के रूप में पूजते हैं। साथ देख सकते हैं कि सारी जगह पर सूखा पानी की कमी है। ऊपर की दीवार जो है पूरी सूखी हुई है, उसके बावजूद ये पता नहीं कहाँ से ये पानी सीधा शिव जी की जटा पर गिर रही है। हालांकि ग्रामीणों ने यहाँ पर रुई की बत्ती लगाई हुई है, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो, पर यह है कि ये पानी को नहीं रोक पाए हैं और पानी अपने आप गिर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ माँ पार्वती और भगवान राम की मूर्ति भी हो सकती है। सवाल ये कि यहाँ शिवलिंग कैसे आया? इतिहासकार घनश्याम सिंह का कहना है कि ये शोध का विषय है। तराश करके बना करके स्थापित किया हुआ तो नहीं लग रहा है, ये प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का आकार लिए हुए पत्थर है और स्वयंभू शिवलिंग कहा जा सकता है इसको। फिलहाल जंगल में शिवलिंग मिलने के बाद ग्रामीण यहां पूजा करने लगे हैं। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए रास्ता बना दिया गया है। शिवरात्रि पर पूरा गांव पूजा करने के लिए यहां पहुंचा। कभी इस गांव को नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब लोग यहां बिना डरे पूजा करने के लिए जाते हैं। कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव, News 18। तो 5 के आज में इतना ही, लेकिन अपने राज्य और अपने शहर की तमाम खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।